सब बोल रहे हैं कि उन लोग को फांसी पे चढ़ना चाहिए, पर मैं वैसे नहीं बोलूंगी. मैं बोलूंगी उन लोग जैसे गर्ल हैज लाइक सफर्ड टिल द डेथ, तो दैट पनिशमेंट दे शुड लाइक बी गेटिंग, दे शुड बी लाइक, मतलब उन लोगों को ये फील करवाना चाहिए कि कैसे उस दैट गर्ल हैज सफर्ड, मतलब कितना वो कितना उसका वो टॉर्चर हुआ है. तो वैसे टॉर्चर होके फिर उन लोगों को मारना चाहिए, बिकॉज दिस इज लाइक रिडिक्यूलस कि एक लड़की जो ऑन ड्यूटी पे था उसके साथ वैसा हुआ करके. सो इट इज अ वेरी बैड थिंग. कोलकाता मेडिकल कॉलेज में काम के दौरान रात में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर ममता देवनाथ के साथ बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने उड़ीसा में सभी मेडिकल छात्र विरोध प्रदर्शन करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं. सभी डॉक्टरों की मांग है कि इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएं, सभी डॉक्टरों को रोक दिया जाए, सरकार से सभी डॉक्टरों को सुरक्षा देने और इस पर कानून बनाने की मांग की गई है. सरकारी निजी अस्पतालों के 6000 डॉक्टरों ने विरोध का हवाला देते हुए इस घटना का कड़ा विरोध किया है. साथ ही उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई करने को कहा है. देश अमृतकाल की यात्रा पर आ गया है और हमारा देश विश्वगुरु बनने की राह पर कागजों में घूम रहा है. नारी तू नारायणी का नारा देते हुए केंद्र में बैठी सरकार और बंगाल में बैठी हुई ममता सरकार, इन सब को छोड़कर हर प्रदेशों में अलग अलग तरीके से पल बढ़ रही सत्ता सियासत की अपनी सरगोशियों से अलग बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं. आधी आबादी को सुरक्षा का भरोसा दिलाने में ना सिर्फ हमारी सरकारें, हमारी सामाजिक पूरे ढांचे, बल्कि न्यायिक व्यवस्था भी जमीन पर फेल होती नजर आ रही है. देश ने निर्भया कांड देखा, देश ने उन्नाव का रेप कांड देखा, लेकिन बंगाल के इस रेप कांड ने उस पूरे तबके को हिला कर रख दिया है जो बड़े विश्वास से भगवान के बाद दूसरे रूप में आकर लोगों को जीवन दान देने की जद्दोजहद करते हैं. इस तरीके की घटनाओं से भारत विश्व गुरु तो नहीं, लेकिन बलात्कार गुरु जरूर बन जाएगा. यह शायद सोचने की ज़रूरत है कि इन डॉक्टरों के साथ खड़े हुए बैनर पोस्टर में छपे हुए हर एक शब्द क्या हमारे आपके दिमाग की टीस बन रहे हैं, और अगर नहीं तो आप यकीनन इन बेटियों के साथ आँख मिलाने की योग्यता नहीं रखते हैं. देश न्याय मांग रहा है, सड़क पर यह सब न्याय मांग रहे हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद कितनी और कैसे मिलेगी यह आने वाला वक्त बताएगा. राजनीतिक बयानबाजियों को छोड़कर हमेशा 4 दिन की चिल्लाने और बाद में शांत हो जाने वाली घटनाओं से इतर यह घटना देश की आत्मा को झकझोर रही है, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ इस तरीके की दुर्दांत घटना करने वाले व्यक्ति अभी भी बाहर हैं. ऐसे को सज़ा मिलना और देश पर बेटियों को एक भरोसा दिलाने की पूरी नीति और नियति के साथ सरकारों को साफगोई से काम करने की ज़रूरत है. हमारे साथी जोगेश बेहरा ने भुवनेश्वर से यह पूरा वीडियो बनाया है. आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आज हर कोई सड़क पर उतरकर कोलकाता की बेटी के साथ हुए अन्याय के लिए खड़ा है. लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक हमें ऐसे सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगाने पड़ेगी. हमारा पुलिसिया तंत्र, भारतीय न्याय संहिता के सारे कानून और केंद्र में बैठे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का चिल्ला चिल्ला कर बलात्कारियों के लिए आदेश की पूरी घोषणा आखिर गई कहाँ है, यह सवाल अब हर कोई पूछना चाहेगा कि आखिर उस समय भारत के 3 बदले हुए अपने स्वदेशी कानून जो अंग्रेजों के कानून से इतर हटकर न्याय देने की बात करते थे वो कहाँ सो रहे हैं. क्या वाकई भारतीय न्याय संहिता के नाम पर अभी भी वही पूरा का पूरा तंत्र है जिसका सिर्फ नाम बदल दिया गया है. क्योंकि अगर अमित शाह की घोषणा संसद में की गई गलत है तो वो गलत ही दिखेगी. इतने दिन न्याय प्रणाली कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के हवाले केस का होना और अब दोषियों को पकड़े जाने की कवायद, या यूं कहें यह देश को बताने की छोटी सी कोशिश कि आखिर उस डॉक्टर के साथ हुआ क्या क्या था.
आत्महत्या की कहानी से लेकर अलग अलग नारे और चिल्लाने की बात से लेकर आज जो हकीकत आई है वो देश को शर्मिंदा कर रही है। हमारी बेटियां जिस तरीके से हम चिल्ला चिल्ला कर महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप लाख आरक्षण की बात कर लीजिए, वो बाहर निकलेंगे कैसे? अभी तक उनके पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को तोड़ने की बजाय हम उनके ऊपर खौफ की जंजीरें आखिर कब तक लादते रहेंगे? यह सब सवाल या निशान इस पूरे के पूरे सड़क पर उतरे हर एक डॉक्टर के दिमाग में हो, लेकिन यह दिमाग में उनके भी होगा जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर चित्रता मंडल, मैं ओरल मैक्सोफेशियल सर्जन हूँ। तो क्या हुआ है, मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो क्या हुआ है उधर पे जो आर्चिकर जो पल्मोनरी मेडिसिन लड़की के साथ जो हुआ है वो तो बहुत ख़राब हुआ है, तो उसी के मतलब अगेंस्ट में जो भी हुआ है उनके साथ उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए शी वॉज ऑन ड्यूटी, इफ़ लाइक द सेवियर्स जो हम लोग ट्रीट करते पेशेंट्स को, हम लोगों के ऊपर अगर ऐसा अत्याचार होगा तो हम लोग पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे? तो वो बहुत एक मतलब ख़राब दुर्घटना हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए था। मैं खुद वेस्ट बंगाल की हूँ, तो लाइक मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं यू आर सेफ कि आप चले गए करके, आप इधर आ गए करके, तो वैसे मेरे को बोलते हैं उधर पे। मतलब देखिए सेफ्टी मतलब हम लोग तो एक्सपेक्ट करते ना मिनिमम कि जो भी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होगा, जैसे कि हम लोगों का नाइट कॉल्स वगैरह होता है, जब हम लोग नाइट कॉल्स अटेंड करने जाते हैं कैजुअलिटी पे पूरा सुनसान रहता है, तो उसमें थोड़ा डर लगता है जाने में, तो वो डर नहीं लगना चाहिए हम लोगों को, मतलब उतना सेफ्टी होना चाहिए। तो वो एक बात है। एक मतलब पल्मोनरी पीजी जो सेमिनार रूम में वेट कर रहे थे उसके साथ वैसे हो गया, अगर सेमिनार रूम पे खुद के कॉलेज में जो वेट कर रहे हैं उनके साथ वैसा हो तो बाहर तो कुछ भी हो सकता है, तो खुद के कॉलेज में ही सेफ नहीं है, तो वो एक बहुत ख़राब वाला बात हो गया। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी रेपिस्ट है, जो भी इस कारनामे के साथ जुक्त है, तो उन लोग को सारे को पनिशमेंट मिलना चाहिए। सब बोल रहे हैं कि उन लोग को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, पर मैं वैसे नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी उन लोग जैसे द गर्ल हैज़ लाइक सफर्ड टिल द डेथ, तो दैट पनिशमेंट दे शुड लाइक बी गेटिंग, दे शुड बी लाइक मतलब उन लोगों को ये फील करवाना चाहिए कि कैसे उस दैट गर्ल हैज़ सफर्ड, मतलब कितना उसका वो टॉर्चर हुआ है, तो वैसे टॉर्चर होके फिर उन लोगों को मारना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक रिडिक्यूलस कि एक लड़की जो ऑन ड्यूटी पे था उसके साथ वैसा हुआ करके, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। मैं मतलब मैं जैसे आपको बोल रही थी, मेरे घर वाले बोलते हैं दैट यू वेंट टू ओडिशा, यू फ्लेड टू ओडिशा, दैट यू आर सेफ, तो वेस्ट बंगाल में टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा हो रहा है, दैट इज़ लाइक अटरली डिस्गस्टिंग। कोई मतलब प्रोटेक्टर्स जो सेवियर्स हैं उन लोगों को ही कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सो दैट इज़ रियली बैड। देखिए वैसा मैं नहीं बोलूँगी, लाइक ये तो मतलब पॉलिटिकल चले गए, वैसा नहीं बोलूँगी, बट जो भी ऑन पावर है, बट इज़ ही और शी शुड बी लुकिंग टू दिस कि
जो डॉक्टर्स वगैरह जो भी हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन मिले करके, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेंगे तो हम पेशेंट्स कैसे देखेंगे, हम लोग बाकी लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो थोड़ा सा सब लोग मिलके उसके ऊपर थोड़ा फोकस रहना चाहिए कि कैसे हम लोगों को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे हम लोग कैजुअलिटीज़ ऑन कॉल ड्यूटीज़ करते हैं तो हम लोगों का वो डर नहीं रहना चाहिए बाप रे सुनसान जगह से जाके मुझे कैजुअलिटी अटेंड करना पड़ेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बट इज़ ऑल आई कैन से, मेरे उनके पास यही अर्जी है कि जल्द से जल्द जो भी लाइक दोज क्रिमिनल्स दे शुड गेट अ पनिशमेंट, लाइक वॉट एवर दैट गर्ल हैज सफर्ड शी शुड गेट अ जस्टिस सो दैट हर सोल रेस्ट पीसफुली। सो आई वुड से दैट जो सरकार है वेस्ट बंगाल की वो इसके ऊपर पूरा फोकस करके जो भी रेपिस्ट है उनके मर्डरर्स है जो उनके साथ वैसे टॉर्चर करके उसको मारे तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पनिशमेंट रहना मतलब मिलना चाहिए। और ऐसे पनिशमेंट नहीं कि मतलब कुछ दिन के लिए जेल फिर उनको छोड़ दिए, वैसे नहीं, फांसी भी नहीं। दे शुड फील वॉट दैट गर्ल हैज़ अंडरवेंट, सो उनको वो वाली फीलिंग दे के फिर ही मारना चाहिए। एनकाउंटर भी उन लोगों के लिए कम है, आई वुड से एनकाउंटर भी मतलब बहुत कम ऊपर जा रहे हैं, तो उनको वैसे सफ़र करके फिर मारना चाहिए। दैट इज़ ऑल आई कैन से। हाँ जी, ये मेरा नाम शाश्वत है, थर्ड ईयर MBBS सम हॉस्पिटल से। आज हम सब पूरे भुवनेश्वर में जितने भी कॉलेजेस से सभी मेडिकल कॉलेज से छात्र यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं। जैसे कि आपने देखा था आजीकर में जो इंसिडेंट हुआ, इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। जो ए ऑन ड्यूटी डॉक्टर 36 आवर कॉन्स्टेंट ड्यूटी करने के बाद उनके साथ जो हुआ उसके लिए हम लोग इधर आज इकट्ठित हुए हैं, सो दैट इन फ्यूचर ये सब दोबारा ना हो, नंबर वन। एंड नंबर टू, वी वांट ए सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर ऑल द डॉक्टर्स सो दैट कि अच्छे से सेफफुली डॉक्टर्स काम कर सके अपने रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल में, ये हम लोगों का डिमांड है। इसीलिए आज हम देखिए पूरे किम से आए हैं, सम से हैं, एम से हैं, पूरे जितने भी भुवनेश्वर में जितने भी डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स सब आज इधर ये आए हैं। इसीलिए हम लोगों का डिमांड ये कि देखिए आज 8 दिन हो गया, जो रियल कल्प्रिट है उसको अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं पकड़ा, पुलिस की तरफ से बहुत सारी कमियां है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वी वांट जस्टिस फॉर दैट विक्टिम, वी वांट जितने भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है 8 या 10 जितने भी सबको हिरासत में लिया जाए, उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई हो, एंड ए सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर को एक प्रोटेक्शन मिले, जैसे कुछ लॉज हो जिसके ऊपर हम लोगों को सेफ्टी के साथ काम कर सके हॉस्पिटल में। मैं असीम अमिताभ स्वाई, थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज हम सब कॉलेजेस यहाँ आए हैं जो इस इनह्यूमन क्राइम को देख के कोई रह नहीं पा रहे, हम लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। पहले चीज़, ये जो चीज़ हुआ इतने दिन से चल रहा है ये किसी एक जन का नहीं है, जो कोलकाता हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, थैंक्स टू कोलकाता हाईकोर्ट जो उसने CBI को केस ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अभी उसका इन्वेस्टिगेशन शायद ठीक से चले। लेकिन ये सब चीज़ जो दिखाया गया, पहले सुसाइड है, फिर दिखाया गया कि ये किसी ने मर्डर कर दिया है, जो किसी एक्यूज को ये कर गया, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि वो किसी एक जन का काम है ही नहीं। तो हम उसके लिए लड़ने हैं, उसके लिए आज सब यहाँ आए हैं। हम अगर कुछ बुरा होते देख रहे हैं और हम चुप हैं तो हम भी वहाँ कहीं ना कहीं पापी के भागीदार हम भी हैं, और हम उसी के लिए आज प्रोटेस्ट करने आए कि उसको जस्टिस मिले, और उसी के लिए हम आए हैं। थैंक यू।